तो क्या बोलती है मापले मच्छा की पब्लिक, एक और नए रिएक्शन वीडियो में वेलकम। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन रिएक्शन देने वाले हैं दुई नंबरी मूवी के ऑफिशियली ट्रेलर के ऊपर। इसके टीजर के ऊपर भी अपन ने रिएक्शन दिया था और भाई अपन को बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था और तुम लोगों को भी मजा आया था। तभी तो तुम लोगों ने बहुत कमेंट किया कि भाई दुई नंबरी का ट्रेलर आ गया, मेरे को नहीं पता था कि आ गया है। तुम लोगों ने मुझे बताया तो थैंक यू। तो अभी अपन दुई नंबर की ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि ट्रेलर कितना ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्या टीजर में जो मिला था देखने को वैसे ट्रेलर में भी देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता, वो सारी चीजों के बारे में अपन तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको घंटी को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि जो भी वीडियोस आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अभी से लाइक मार दो ताकि यूट्यूब पता चले कि आपको क्या देखने में मजा आ रहा है। तो शुरू करते हैं और पता लगाते हैं क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। चलो बड़ा सुबह डिजिटल एंजॉय विद अस। आई लागे हो यार भेरियो। क्या है इसमें? कल्ले आलो मेरो चाकमा कमिला। मैले होइन, मैले पनि होइन। तलाईमा कमिला पनि लाउँदिन, बारुला पनि लाउँदिन। आँखामा पट्टी बाँधेर निशाना लाएर देखा, जम छ भने। गाउँले कसैले सुन्नु भएन, थाहा पाउनु भएन। केही गरी पुलिसको कानमा पर्यो भने तिम्रो लफडामा फस्छौ। मैले फुल दिन्छु भनेको त उल्टे उल्टे दिरा म त टुवा पोथीले नै दिने हो भाइ फुल। मलाई नि सिकाइदिनु है नानी यो पकाउने। त्यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बहुत अच्छा लाग रहा है मेरो को। यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एकदम बहुत मजा आ रहा है। यो मान्छे त के बोल्दै रहेछ हो। अंकल नरिसाउनुस है, तर म उहाँसँग चाहिँ बिहे गर्दिन। कोसँग गर्छौ त बिहे? ए सम्झाउनुस् नानी छोरीलाई। अब छोरीले नाइ भनेपछि मैले के भन्ने? तपाईँ अलिक कडा हुनु पर्यो कि आन्टी, त्यही भएर त तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई सौदा हालेको। मलाई शङ्का त लागेको थियो तँ जस्तो दुम्सीलाई त्यस्तो कलकलाउँदो केटीले मन पराउँदैन भनेर। मन पराउँछ पराउँदैन भनेर सोध्ने होइन नि त, पेलेर जाने हो। मान्छेले यहाँ कस्तो तना भइसक्यो, तँ चाहिँ यहाँ जिउ फुलाएर बस। पहिले थाहा भयो त जिउ सुकाएर बस्थे नि साले। चुप लौ, तँलाई सम्झाउन नपाउनु। पार्लरलाई 5 लाखसम्म दिने मान्छे आइसक्यो त। हामीले किन्ने हो भने 2 दिनसम्म अल्मलाएर राख्ने कुरा गरेछ दिदीले। 2 दिनमा 5 लाख कहाँबाट टिपेर ल्याउँ त हौ? मजा आउँछ कि क्या हो दाइ तपाईँलाई पैसा बाँकी राख्न? ल भाइहरूको के कति हिसाब किताब बाँकी छ? फर्स्ट टाइम टुवा पारिदिनु त आज। कालिज मारेर घर चलाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ नगर, मृग मारेर ल्याऊ। एउटा मृगको 15-20 हजार दिन्छु। मृग चाहिँ मारिन्न, यसले मार्छ नि त। तपाईँ ओभर स्मार्ट बन्नु पर्दैन मिस दुर्गा देवी यादवज्यू। तपाईँलाई यो गाउँमा टिक्नु छ भने हाम्रो आँखाको कसिङ्गर नबन्नुहोस्। अब यो गाउँमा तपाईँको राज चल्दैन, कानुनको राज चल्छ। गुलेली जन्गाउन सिकाउनेको बन्दुक हान्न सिकाउनेको तँ, सिगारको मजा लिन सिकाउने पनि तँ होस्, मेरो गुरु होस् जाठा तँ। हान मेरो दिमागबाट डिलिट हान, अब सब डिलिट हान सक्छस्। फुल कॉमेडी यार। पहले मेरे को टीजर देखा था ना जब मैंने, तो मेरे को से लगा था क्या ना, जैसे नेपाली मूवीज का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि थोड़ी कॉमेडी है, फिर थोड़ा सीरियसनेस आ गया और फिर एक्शन आ गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नेपाली मूवीज का, जो कि मैंने अभी तक देखी है, जितनी भी ट्रेलर्स के ऊपर रिएक्शन दिया है। तो मैंने जब इसका टीजर देखा तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि अभी कॉमेडी कॉमेडी अपन को देखने को मिलती है। जब इसका ट्रेलर आएगा, टीजर ट्रेलर आएगा, तो उसके अंदर अपन को एक्शन एक्शन भी देखने को मिलेगा
और थोड़ा बहुत इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेगा। बट दैट वाज अनएक्सपेक्टेड भाई, मेरे को ये नहीं लगा था कि भाई पूरी की पूरी कॉमेडी होने वाली है, पूरी की पूरी कॉमेडी, मतलब पॉइंट वन से लेकर के पॉइंट एंड तक, मतलब पूरा मजा देती है, पूरा मजा देती है। मतलब यार क्या ट्रेलर निकाला है, और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे चल रहा है ना, वो उसको एक अलग से पुश कर रहा है, वो उसको अलग से पुश कर रहा है, तो वो आपको अलग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मेरे को तो अच्छा लगा है, मेरे को अच्छा लगा है, मतलब फुल और कॉमेडी मूवी का तड़का आपको देखने को मिलने वाला है। और मूवी कब रिलीज हो रही है यार, ये मूवी कब रिलीज हो रही है, ठीक है जब भी रिलीज होगी तो मैं तो इस मूवी को देखने वाला हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या साला, इंडिया के अंदर ये मूवी रिलीज होती नहीं है हिंदी के अंदर, एक प्रेम की थ्री हुई थी उसके अलावा कोई मूवी रिलीज ही नहीं होती है। बट मेरे को मजा आया, मेरे को वेट रहेगा इस मूवी का, मेरे को बहुत ज्यादा वेट रहेगा, मेरे को मजा दे दिया। तुम लोग को ये ट्रेलर कैसा लगा, तुम लोग को कितना मजा आया वो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और भी सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट, बाय।